हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज ना पिछले वीडियो में हमने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार और लाभ के बारे में अध्ययन किया था कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यानी एक ही प्रकरण मतलब एक ही उपकरण के माध्यम से आप एक से दो, दो से तीन टेलीकॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार के बारे में बताया था कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ के बारे में बताया और उसके बाद में जो हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जो चीज रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज को बोलते हैं वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क की संरचना और वीडियो प्रणाली के प्रकारों के बारे में बताया था। प्रणाली में कैपेसिटिव वीडियो डिस्क, ऑप्टिकल वीडियो डिस्क और भौतिक वीडियो डिस्क, ये कल हमने वीडियो के माध्यम से हमने बताया था। आज हम वीडियो डिस्क के लाभ और वीडियो डिस्क की समस्या, वीडियो डिस्क के लाभ और सीमाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी वीडियो डिस्क से क्या लाभ है और वीडियो डिस्क से क्या क्या सीमाएं, यानी क्या दोष है, क्या कमियां पाई गई है। देखो, किसी चीज को हम पर काम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। दोनों चीजें होती है। तो सबसे पहले हम वीडियो डिस्क के लाभ के बारे में देखते हैं। वीडियो डिस्क के लाभ के लाभ, अब वीडियो डिस्क क्या है, ये आपको पता ही होगा कि हम वीडियो प्लेयर में जो सीडी लगाते हैं, कंप्यूटर में हम एक मॉनिटर होता है उसके अंदर, सॉरी सीपीयू होता है, उसमें भी एक प्लेयर होता है, उसमें हम डिस्क लगाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर वो चीज देख लेते हैं और वीडियो प्लेयर में टीवी के स्क्रीन पर भी हम देखते हैं। यानी डिस्क एक मेमोरी होता है जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लाभ और उसकी दोष या कमियां के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को डिस्क पर उतारा जा सकता है, यानी इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क में उतारा जा सकता है। यानी चाहे कितने भी बड़े रिकॉर्ड हो, चाहे कितने भी बड़ी कार्य प्रणाली हो, उसको हम एक छोटी सी डिस्क में उतार सकते हैं। इस भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए, इस भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए। कम स्थान की आवश्यकता होती है। उसके बाद में यह सस्ती पड़ती है, यह कम बिजली, यह कम खर्चीली, इसमें खर्चा भी कम आता है। चौथा है
ये इस तक पहुंचना सुगम होता है, इस तक पहुंचना सुगम होता है। पांचवा है, सीखने वाले को उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, सीखने वाले उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। छठा है, विद्यार्थियों को कोर्स की सामग्री के साथ अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है, सामग्री है कोर्स सामग्री के साथ, कोर्स सामग्री के साथ के साथ अंतःक्रिया, अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है। सातवां है, इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की व्यवस्था होती है, इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की व्यवस्था होती है। स्वचालित फ्रेम स्टॉक की व्यवस्था होती है, स्वचालित फ्रेम स्टॉक की आवश्यकता होती है। नौवा है कि पुनरावृत्ति की सुविधा होती है, पुनरावृत्ति की सुविधा होती है। यानी इतने सारे कार्य एक लिस्ट से हमें फायदेमंद मिलता है कि इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी लिस्ट में उतारा जा सकता है। इस भंडारण में कम स्थान चाहिए, ये कम खर्ची है, इस तक पहुंचना सुगम होता है, सीखने वाले उत्पादन का बढ़ाई जा सकती है और सामग्री के साथ अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है, इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की आवश्यकता होती है, व्यवस्था होती है, स्वचालित फ्रेम स्टोव की आवश्यकता होती है, पुनरावृत्ति की सुविधा होती है। तो इस तरह के इतने सारे लाभ होते हैं। अब कमियां क्या क्या है, इतने लाभ होने के बाद भी इसमें कमियां पाई जाती है, और कम से कम एक बात होती है, सीमाएं। पहला है, वीडियो डिस्क पर उतारी गई सूचना स्थायी रूप से अंकित हो जाती है, इस पर सूचना अंकित नहीं की जा सकती, जैसे कि वीडियो टेप में हम कर सकते हैं। मतलब है कि जो वीडियो टेप में हम सूचनाएं अंकित कर सकते हैं, लेकिन वीडियो डिस्क पर सूचना अंकित नहीं कर सकते। वीडियो डिस्क पर सूचना अंकित नहीं कर सकते। भला है कि ऑडियो जो होती है, ऑडियो कैसेट होती है, ऑडियो जो भी मेमोरी होता है उस पर हम सूचना अंकित कर सकते हैं, लेकिन वीडियो डिस्क पे सूचना अंकित नहीं कर सकते। वीडियो डिस्क केवल उन्हीं विषयों के लिए उपयोग होती है जिनमें कोई नियंत्रण परिवर्तन नहीं होता, यानी जहां पर परिवर्तन नहीं होता है वही वीडियो डिस्क काम की, वीडियो डिस्क काम आ सकती है।
तीसरा है वीडियो डिस्क पर आने वाली लागत को घटाने के लिए उनका उत्पादन व्यापक स्तर पर करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे समूह के लिए कोई सामग्री वीडियो डिस्क द्वारा प्रस्तुत करना महंगा पड़ता है। यानी जो बड़े स्तर पर ही वीडियो डिस्क काम में आ सकती है, यानी बड़े स्तर पर ही वीडियो डिस्क को हम काम में ले सकते हैं, छोटे स्तर पर ये काम के नहीं है, क्योंकि खर्चीली जगह होती है, इसलिए छोटे स्तर पर इसको काम में नहीं ले सकते। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।